तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम वेक्टर्स करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स में क्या, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन में क्या, एनालिटिकल मेथड। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि वेक्टर एडिशन में दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को तो हमने अच्छे से पूरा फोड़ दिया है, तो ग्राफिकल मेथड नहीं, अब देखने वाले अपन एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड देखते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड होता क्या है, चलो एनालिटिकल मेथड होता क्या है। एनालिटिकल का मतलब ही होता है कि जो फॉर्मूला से बने, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना है, अब यहाँ पे हेडिंग वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कुछ नई नई चीज नहीं देखेंगे, वही वही ट्रायंगल लॉ रहेगा, वही पैरेललोग्राम लॉ रहेगा, वही पॉलीगन लॉ रहेगा। लेकिन होने वाला क्या चीज़ है इसमें, इसमें अपन एक नया फॉर्मूला डिराइव कर देंगे उनका, ठीक है। जैसे पहले सिर्फ अपन दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे, उन्हीं का क्वेश्चन ले रहे थे, बस बार बार दो वेक्टर परपेंडिकुलर ही हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, अब जो वेक्टर है दो, वो किसी भी एंगल पे होंगे, किसी भी एंगल पे होंगे, तो अपन उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं अपन ट्रायंगल लॉ, ठीक है। पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल मेथड देखते हैं, मतलब पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल लॉ एनालिटिकल मेथड, चलो ठीक है, ए एम लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एम। अब देखना ट्रायंगल लॉ होता क्या है कि हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ होगा जो इसके टेल से चालू होगा और इसके हेड पे अपना हेड दे मारेगा, वो रिजल्टेंट कहलाएगा, और रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रूल है, ठीक है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ये पता है अपने को। अब जो है मेरी बात पे ध्यान से देना, अब एनालिटिकल मेथड करने के लिए, एनालिटिकल मेथड मतलब अपने को फॉर्मूला निकालना है। कैसा फॉर्मूला, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए ये, ठीक है, एक वेक्टर है ए जो कि जा रहा है इधर, और दूसरा वेक्टर है बी जो कि जा रहा है इधर। तो रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से चालू होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है भाई, बहुत सही। ये कहानी तो पहले भी देख चुके थे। अब मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे नापते हैं, जब दोनों टेल टू टेल होते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तब थीटा एंगल ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी दोनों वेक्टर टेल टू टेल नहीं है, लेकिन अगर अपन ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें तो क्या ये थीटा मान सकते हैं क्या अपन, ठीक है, मान सकते हैं इसको तो, ठीक है। और अभी ये जो बी वेक्टर है, इसके हेड से मैं एक लाइन नीचे लाता हूँ, ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं ओ, इसको बोलता हूँ मैं ए यहाँ पे ये वाले पॉइंट को, और इसको बोलता हूँ मैं डी, ठीक है। अब देखो, और इसको बोलता हूँ मैं बी, ठीक, तो अब होगा क्या, इसको सी बोल देता हूँ यार, चलो। तो अब यहाँ से अपने को दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ओ सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो एंगल है ये है अल्फा, अल्फा बोले तो रिजल्टेंट का जो ए वेक्टर के साथ जो एंगल है वो अल्फा एंगल है, वो डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट का, ठीक है। तो ओ सी बी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें अपन मैं साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म्स लगा सकता हूँ, और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर होगा क्या? होगा भाई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है अभी ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकाला जा रहा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। अब ओ बी क्या हो जाएगा? ओ बी जो है ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ बी, है ना। तो वहाँ पे देखो ये ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ सी की जगह, ओ सी की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, टन 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 टन, हाँ, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए सी। क्या ओ ए अपने को पता है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, क्या ए सी पता है? नहीं। ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, मैं कॉस थीटा लूँ क्या? लेके देखता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपर, इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ ना, ए सी बी में लगा रहा हूँ मैं थीटा वाले, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए प्लस ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ओ सी क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब बी सी पता है क्या अपने को? नहीं, बी सी भी निकालते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन थीटा का टर्म, जैसे कॉस थीटा लिया ना वैसे ही साइन थीटा का टर्म लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी सी क्या आएगा यहाँ से? बी साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब बी सी क्या लिख सकता हूँ मैं? बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये सब ओ सी और बी सी की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ मैं, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ बी। क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं इसको खोलता हूँ, तो ए स्क्वायर जादू का पिटारा टी 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 टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्यों निकाला हूँ इसको कॉमन? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, ये दसवीं में पढ़े होंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो वन हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आता दिख रहा है मेरे को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सिर्फ आर का फॉर्मूला लिखना है मेरे को बोले तो सिर्फ रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये जो टर्म है ये क्या है? एनालिटिकल मेथड जब ट्रायंगल लॉ का करते हैं तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है वो ये है।
तो अब मैं थोड़ा सा एक ठो एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, मतलब किसी चीज़ पे फोर्स इधर लगा 2 न्यूटन का, उसके बाद इधर लगा फोर्स कितना 60 डिग्री पे, कहाँ से 60 डिग्री, यहाँ यहाँ से 60 डिग्री पे ये एक फोर्स लगा 6 न्यूटन का। तो अब रिजल्टेंट निकालो बोल दिया, तो डायरेक्ट जो है ये फार्मूला डाल देना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, तो रिजल्टेंट के फार्मूला के अनुसार रूट ओवर डाल दूंगा मैं, 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 मतलब 36 प्लस 2 इंटू 4 इंटू नहीं 2 इंटू 2 2 ए भी है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 30 होता है रूट 3/2, कॉस 60 हाफ, तो हाफ होता है 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 6 × 2 = 12 ठीक है। 34 + 36 + 4 = 40 मतलब √52। ये रिजल्टेंट जो है वो कितना आ गया, √52 न्यूटन ठीक है। अब रिजल्टेंट आया है तो क्या इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, हाँ इसका डायरेक्शन भी होगा ठीक है। तो मैं जो है ये वाला फार्मूला रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और ये सब मिटा देता हूँ ठीक है। अब अपने को ये अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि ये सब देख लो यार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ तुम्हें। 1, 2, 3, 4, 5 चलो अब मिटा देता हूँ इसको। अब जो है अपन टेन अल्फ़ा निकालेंगे, टेन अल्फ़ा ही क्यों, क्योंकि जो टेन अल्फ़ा है वही जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और वही जो है अल्फ़ा दे सकता है। टन टन टन, अब देखना टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाले डायग्राम में ओ बी सी में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी बाय बेस क्या है, ओ सी। क्या मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ये बी सी मिला था, बी कॉस थीटा, हाँ मिला था, और ये ओ सी क्या मिला था, ए प्लस बी, नहीं नहीं ओ सी ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बी सी जो है बी साइन थीटा मिला था ठीक। कैसे, अगर ये वाला ट्रायंगल है या जहाँ थीटा है ये बी है, तो ये जो है बी साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बी से भी हाँ। तो ये जो है टेन अल्फा की वैल्यू है। तो उस एग्जांपल में मुझे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे 2 न्यूटन दिया था उस एग्जांपल में, यहाँ 6 न्यूटन दिया था, और ये हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री दिया था, तो मेरे को पूछता रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मेरा √54 आया था ठीक है। अब मेरे से अगर ये अल्फ़ा एंगल पूछता तो मैं टेन अल्फ़ा निकालता, टेन अल्फ़ा कैसे निकालता मैं, टेन अल्फ़ा अब मैं कैसे निकालूंगा, बी साइन थीटा, बी कितना दिया है 6, साइन थीटा मतलब साइन 60 मतलब √3/2 बाय ए, ए क्या है 2 न्यूटन, तो 2 प्लस बी कॉस थीटा, तो 6 इंटू कॉस थीटा मतलब 1/2 मतलब ये वाला टर्म 3 हो जाता सीधा, तो ये 2 + 3 = 5, और ये 6√3/2 मतलब ये 2 से 2 तो 3√3/5 तो अब तुम लोग बोलोगे यार यहाँ एंगल कहाँ से आया ठीक है। तो इन सब कंडीशन में जो है अल्फा इज इक्वल्स टू जो है टैन इनवर्स, जो आंसर आया होता है वो लिख देते हैं 3√3/5। तो ऐसे था ये एनालिटिकल मेथड किसका, ट्रायंगल लॉ का ठीक है। ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल मेथड हो गया, अब पैरेललोग्राम का एनालिटिकल मेथड देखते हैं ठीक है चलो। तो अभी यार बात करते हैं वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय
एनालिटिकल मेथड का। देखो अपन जो है अभी अभी बात किए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड और उसका एक फार्मूला डिराइव किया, वही सेम फार्मूला अब अपन इस पैरेललोग्राम लॉस के मदद से क्या बोलते हैं डिराइव करेंगे। क्या पॉलीगॉन के लिए भी एनालिटिकल मेथड है? नहीं, पॉलीगॉन के लिए कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है। ठीक है, अपन अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद स्पेशल केसेस देखेंगे, उसके बाद अपन इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल निकालेंगे लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो तो चालू करते हैं यार। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर अपने को पता है कि इधर कोई वेक्टर है ए वेक्टर और इधर कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, इधर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इधर कोई वेक्टर बी वेक्टर, दोनों थीटा एंगल पे है, ठीक है, और दोनों अगर पैरेलल है, मतलब क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को शो कर रहे हैं, तो अपने को पता है पैरेललोग्राम लॉ से ये पैरेललोग्राम पूरा हो जाएगा और इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है उसमें क्या होगा, उस डायगोनल में क्या होगा, ऐसे करके एक रिजल्टेंट बन जाएगा। ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और ये ए और आर के बीच में, ये रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, अल्फा। ठीक है, इतनी बात तो अपने को क्लियर थी। एक सेकंड, इसको ये थोड़ा टेढ़ा बन गया लग रहा है। इतनी बात क्लियर थी अपने को, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे इसको 03 में लेक्चर में। ठीक है, तो ये ठीक है, ये तो है अल्फा और ये पूरा जो है वो थीटा, ये ए और बी के बीच में, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पिछले वाले केस की जगह की तरह यहाँ से एक इसको एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर गिराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि वेक्टर जो बी है, वेक्टर बी को मैं यहाँ से ऐसे पैरेलली शिफ्ट करो जूम करके, तो ये यहाँ पे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो क्या इसका लेंथ जो है वो वेक्टर बी के जितना होगा क्या? हाँ होगा। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, बिना वेक्टर के डाले। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा एंगल है, तो इसको मैं बी साइन थीटा बोल सकता हूँ। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, इसको ओ देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो परपेंडिकुलर मतलब बी सी बाय हाइपोटेनस ए बी, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी क्या है, बी, तो मतलब बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये किसका होगा, बी सी का हो जाएगा ये। अब जो है AC का देखते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब AC बाय B, तो AC हो जाएगा B cos थीटा। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, B cos थीटा हो जाएगा। तो ये BC और AC का जो ये वैल्यू है ये याद रखे रहना अभी अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, अब देखो अब कौन से वाले में अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ओ सी बी वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है अपने को, किस पे, ओ सी बी पे। तो इस हिसाब से ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे लगेगा ना, वेक्टर पे नहीं लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस सिर्फ स्केलर्स पे लगता है। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर तो आर हो जाएगा, आर का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, ओ सी क्या ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तुम लोग बोलोगे यार अभी अभी तो यही चीज़ देखे थे अपन ट्रायंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी वही देख रहे हैं। देखो यार बताना मेरा काम है, याद करना तुम्हारा काम है ना, मैं पूरा बताऊंगा इसीलिए,
तो स्किप कर लो 10 मतलब 50-60 सेकेंड और क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, 10वीं में पढ़ा था एक बार, याद है, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। यही सेम चीज़ अभी अभी अपने ट्रायंगल लॉ में एनालिटिकल मेथड देख रहे थे, वो वहीं पे लाए थे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये जो अल्फ़ा है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएगा। तो अपन यहाँ टेन अल्फ़ा निकालते थे, तो टेन अल्फ़ा निकालते हैं, टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BC बाय AC बाय OC, BC बाय OC, OC क्या है A प्लस बी कॉस थीटा, और BC क्या है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यही सेम चीज़ अभी अभी अपन ट्रायंगल लॉ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगल और क्या बोलते हैं अपने पैरेललोग्राम में दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो एनालिटिकल मेथड का जो फॉर्मूलाज है वो सेम ही आता है, ठीक है। अब जो है इसको मिटा के मैं स्पेशल केसेस की बात करता हूँ, अभी सिर्फ मैं इसको रहने दूंगा और इसको रहने दूंगा, ठीक। तो स्पेशल केस को कहाँ देखे अपन, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस VIP लो भैया, स्पेशल केसेस, ठीक है। अगर थीटा जो है, ये थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ये जो थीटा है अगर 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ कॉस 0 1 फिट कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, हाँ है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर थीटा 0 हो गया तो ए वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में, बी वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ये फर्स्ट स्पेशल केस था। सेकंड स्पेशल केस, अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 हो जाएगा और यही टर्म बचेगा सिर्फ, तो आर इज इक्वल्स टू जो है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ अभी पिछले लेक्चर में अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे थे, यही वाली चीज़, क्योंकि उस समय वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था, ये आर हो जाए, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस में क्या बोलता है, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो ये वेक्टर इधर, ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो इधर, क्योंकि माइनस में आ जाएगा एक चीज, क्यों, क्योंकि कॉस 180 जो है माइनस होता है, तो आर जो है वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं ना, तो वैसे ही इसको जो है मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, मिनिमम
वैल्यू, ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन था। अब जो है सारी चीज़ें हो गई है, अब जो है अपन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो निकाले हैं वो लगाते हैं और ये वीडियो फिर रैप अप करते हैं। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, देखो मैं अभी अभी तुम लोगों को बताया था कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट क्या होता है। देखो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आर ग्रेटेस्ट जो है वो ए प्लस बी होता था मैग्नीट्यूड में ना, तब ग्रेटेस्ट होता था। लीस्ट के लिए जो आर है, आर लीस्ट जो है वो जब ए माइनस बी होता था तब होता था। ये कंडीशन कब आती थी, जब थीटा 0 डिग्री बनता था। ये कंडीशन कब आती थी, जब थीटा जो है 180 डिग्री बनता था, ठीक है। तो अब जो बोला है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो दिया हुआ है रिजल्टेंट, तो ग्रेटेस्ट दिया है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 और लीस्ट दिया है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। अब जो है यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो बी से बी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब b देखते हैं, तो 8 प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, तो b यहाँ से 2 आ जा रहा है, ठीक है, b यहाँ से 2 आ जा रहा है। अब रुक जाओ, हाँ, तो b यहाँ से 2 हो गया, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। अब हर एक फोर्स को जो है 3 न्यूटन से इंक्रीज करना, मतलब ए डैश लेना है एक और ए प्लस 3 न्यूटन करना है, और एक दूसरा फोर्स है बी डैश, उसको भी बी प्लस 3 न्यूटन करना है, ठीक है, बी प्लस 3 न्यूटन करना है। तो रुक जाओ, ए डैश बी डैश, अब क्या करना है, ये दोनों कहीं ना कहीं पे एक्ट कर रहे हैं, ये दो फोर्सेस ए डैश और बी डैश, जहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है एंगल 90 डिग्री, तो ए प्लस 3 न्यूटन, 8 प्लस 3 11 न्यूटन हो जाएगा, और बी प्लस 3 न्यूटन मतलब 2 प्लस 3 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश निकल गया, और ए डैश और बी डैश के बीच में है 90 डिग्री का एंगल, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू बचेगा रूट ओवर ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर, तो r आ जाएगा रूट ओवर ए डैश क्या है 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस बी डैश क्या है 5 का स्क्वायर होता है 25 146, ये रिजल्टेंट निकालना था इसको, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स, ये है नए फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, अगला अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, टू इक्वल फोर्सेस हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू इधर एट वॉट एंगल दे आर इंक्लाइंड, मतलब दो इक्वल फोर्सेस हैं, क्या क्या मान लेते हैं, एक फोर्स ए ले लेते हैं जो कि है एफ, और एक फोर्स ले लेते हैं बी जो कि ये भी है एफ, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट है इक्वल टू इधर, मतलब इन दोनों के इक्वल है इनका रिजल्टेंट भी, मतलब रिजल्टेंट भी एफ के इक्वल है, ठीक है। एट वॉट एंगल दे आर इंक्लाइंड, मतलब ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये अपन को आर जो है वो एफ दे दिया है, तो आर का फॉर्मूला डालते हैं, एफ इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये होता था, हमने वो cos थीटा वाला टर्म निकालना है, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा
इज इक्वल्स टू ए की जगह मैं एफ डाल देता हूँ तो एफ स्क्वायर ए बी, प्लस बी की जगह भी एफ डाल देता हूँ तो एफ स्क्वायर ए बी, प्लस टू ए बी दोनों एफ है तो यहाँ भी एफ स्क्वायर, फिर यहाँ कॉस थीटा, तो यहाँ टू एफ स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से टू एफ स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, या फिर यहाँ से मैं एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, तो यहाँ से एफ स्क्वायर टू टू एफ स्क्वायर टू वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, ठीक है, एफ स्क्वायर नीचे आएगा तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा है वन, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ हाफ हाफ माइनस वन माइनस हाफ, ठीक है, कॉस थीटा जो है वो माइनस हाफ कब होता है, जब 120 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल होता है, कब, जब 120 डिग्री उनके बीच का एंगल होता है, तो 120 डिग्री है मतलब ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर कहीं यहाँ कहीं पे है, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर, तब क्या होगा ए बी एफ बी बी एफ और रिजल्टेंट भी सेम आएगा, ठीक है, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3/5 गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ फोर्स, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, देखो भाई तो यहाँ मान लेते हैं पहला फोर्स है ए, दूसरा फोर्स है बी, तो अपने वो क्या दिया बेसिकली ए बाय बी इज इक्वल्स टू 3/5, तो इस कंडीशन में मैं अगर मान लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू 3x है, ये क्या है ए का मैग्नीट्यूड है, और बी इज इक्वल्स टू 5x ले लेता हूँ, ठीक है, तो भी ए बाय बी करूँगा तो 3/5 आएगा, हाँ आ जाएगा, चलो ठीक है, तो अब ए इतना ले लिया बी इतना ले लिया, रिजल्टेंट दिया 28 और एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अब जो है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, ठीक है, उसमें ये सब वैल्यू डाल देता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट 28 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 कॉस 60 और ए बी की जगह 3x 5x डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो 28 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर और कॉस 60 होता है 1/2 मतलब 15x स्क्वायर, ठीक है, ये 25x स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देते हैं, 25 प्लस 15 हो जाएगा 40, ठीक है, 40 प्लस 9 49x स्क्वायर, तो रूट ओवर आ जाएगा 49x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28, 49x स्क्वायर क्या होता है, 49 का होता है 7, ठीक है, रूट 49 का, और रूट x स्क्वायर का होता है x, तो 28 इज इक्वल्स टू 7x हो जाएगा, तो x यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है, तो x के टर्म्स में a और b लिए थे अपन, तो a की जगह आ जाएगा 3 × x इज इक्वल्स टू 3 × 4 मतलब 12, और b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5x, तो 5 × 4 मतलब 20, तो a और b का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ गया है, ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक a वेक्टर जो इधर जा रहा है, एक b वेक्टर इधर जा रहा है, और एक रिजल्टेंट है जो a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है उसका अपने को मैग्नीट्यूड दिया है जो कि है b के मैग्नीट्यूड से हाफ, अगर b का मैग्नीट्यूड हाफ कर देंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ऐसा कंडीशन है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b दिया है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, अपने को थीटा पता करना है,
ठीक है, अपने को क्या पता करना है, थीटा पता करना है। ठीक है भाई, तो ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या यहाँ से अगर ऐसे ले लूँगा तो मैं? ठीक है भाई, हो जाएगा ये तो। हाँ, ये पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ मैं। ठीक, अब मैं साइन 90 माइनस थीटा लेता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये ए सी ओ। ठीक है, तो ए सी बाय ओ सी आ जाएगा, तो ओ सी तो बी दिया है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा हो जाएगा क्या? अब ए सी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा हो जाएगा क्या? कैसे होगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ तो साइन 90 माइनस थीटा लिए, तो एक प्रॉपर्टी से साइन 90 माइनस थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। कई लोग पढ़े होंगे, कई लोग नहीं पढ़े होंगे, जो 10वीं से 11वीं आए हैं वो शायद पढ़े होंगे इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में है ये फॉर्मूला, अगर ठीक ठाक जगह ट्यूशन व्यूशन गए होगे तो। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा आ गया, मतलब ये वाला जो चीज़ है ये बी कॉस थीटा है। ठीक है, अब मैं देखूँ रिजल्टेंट भी यही है, बी कॉस थीटा भी यही है, तो रिजल्टेंट को ऐसे ला के देखूँ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बी कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वो बी बाय टू, तो बी बाय टू इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, अब बी से बी काट दूँ क्या, मैग्नीट्यूड है तो बी से बी काट दिया, कॉस थीटा 1/2, तो थीटा क्या 60 डिग्री थीटा, तो क्या 60 डिग्री एंगल है? नहीं, ए और बी के बीच में 90 प्लस 60 का एंगल है, 90 प्लस थीटा दिया है वहाँ, तो 90 प्लस 60 जो है 150 डिग्री का एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या कितने का एंगल है, 150 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं यार अगला क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, एट वॉट एंगल शुड बी टू फोर्स वेक्टर्स 2f एंड √2f एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज √10f। देखो, रिजल्टेंट दे दिया है, ठीक है, बी वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया है, अपने को निकालना है थीटा, थीटा निकालना है अपने को, तो अपन फार्मूला लगाते हैं, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ए क्या दिया है अपने को, मतलब F1 ले लेते हैं, चलो इसकी जगह ए की जगह F1, बी की जगह F2, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर F1 F2। ठीक है, तो F1 क्या दिया हुआ है, F1 दिया अपने को 2f, क्या 2f, और F2 दिया है अपने को √2f, F रूट के अंदर नहीं है, सिर्फ √2f है। ठीक है, और रिजल्टेंट दिया है अपने को √10 और f। ठीक है, तो अब इन सब को इसमें डाल देते हैं अपन, तो f स्क्वायर हो जाएगा 10f स्क्वायर। ठीक है, f1 स्क्वायर हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू √2f, तो 2√2f स्क्वायर हो जाएगा, ये 2√2f स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ से निकालना है, तो पहले मैं यहाँ से सबसे f स्क्वायर निकाल के माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ f स्क्वायर सबका f स्क्वायर कैसे किया, यहाँ इन तीनों से मैं कॉमन निकाला और इससे डिवाइड कर दिया, तो 10 इज इक्वल्स टू बचा 4 प्लस 2 प्लस 2√2 cos थीटा, 4 × 2 = 6 हो गया, 10 − 6 = 4 इज इक्वल्स टू 2√2 cos थीटा, 2 से 2 गया तो 2, तो 2/√2, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/√2। भैया यार अपने से यहाँ पे अपने को 2f1 f2, यहाँ पे इंटू 2 और होगा एक 2f1 f2, फिर ऐसे करके, तो 2 यहाँ पे डालना भूल गया था मैं। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे इंटू 2 और है, तो यहाँ है इंटू 2 एक और, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा जो आ जाएगा वो आएगा 1/√2, तो
कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा जो है 45 डिग्री होता है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच जब 45 डिग्री होगा उन दो फोर्सेस के बीच, तब जो रिजल्टेंट है इतना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, एक वेक्टर दिया है एफ, दूसरा वेक्टर भी दिया है एफ, दोनों के बीच है 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। अब तुम लोग बोल रहे हो यार ये क्या क्वेश्चन ले गया है, इसको तो छील देंगे ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से चलो करते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, तुम बोलोगे रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस प्लस टू एफ एफ कॉस 60। तुम्हारे हिसाब से यही होगा ना। ठीक है, कई सारे लोग तुम लोग यही बोल रहे होगे, लेकिन ये किया तो गलत किया, ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलत है ये। ठीक है, जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच 60 डिग्री तो है, लेकिन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे नापना है, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब दोनों का टेल जुड़ा हो एक दूसरे से, तो जो है इस वेक्टर को, ये वाले वेक्टर को आगे बढ़ा के यहाँ पैरेलली शिफ्ट करेंगे अपन, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ लाए तो ये 60 डिग्री है, और ऐसे लाए तो ये 180 है पूरा, तो 180 माइनस 60 120, तो ये 120 डिग्री है। अब यहाँ से ऐसे रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो कैसे लगेगा, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस टू एफ एफ कॉस 120 डिग्री लगेगा। यहाँ पे कॉस 120 डिग्री लगाना था, कई लोग कॉस 60 लगा के अपने आपको बहुत होशियार समझ ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना था। ठीक है, एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 होता है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहीं पे, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो वो टू से टू उड़ जाएगा, और ये माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर चला जाएगा, तो रिजल्टेंट बच जाएगा एफ। ये ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगला देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बिकम्स टू टाइम्स ऑफ क्यू है, यहाँ पे बिकम्स टू टाइम्स द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज, आर का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि कोई पी वेक्टर है इधर, कोई क्यू वेक्टर है इधर। ठीक है, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, अगर मैं इस क्यू वेक्टर को टू टाइम्स कर दूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड टू टाइम्स कर दूं, तो जो है ये जो है यहाँ से ना होकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उस समय इसका जो रिजल्टेंट है आर, वो परपेंडिकुलर है यहाँ से। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है और ये टू टाइम्स ऑफ क्यू है। द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज, इस आर का मैग्नीट्यूड क्या है बताना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अपन अभी एनालिटिकल मेथड में जब फार्मूलाज निकाल रहे थे, तो अपने को एक फार्मूला मिला था टेन अल्फा का। अल्फा क्या था, ये ए वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है, तो इनके बीच का एंगल था ये रिजल्टेंट और पी। ठीक है, तो ये क्या मिला था अपने को, ये मिला था कुछ ऐसा मिला था क्या, क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, अपन ए बी लिखे थे उस समय, ए साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा करके, यहाँ पी क्यू ले लिया हूँ मैं, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ टेन अल्फा जो है अपने को 90 डिग्री दे दिया है, तो 90 टेन 90 कितना हो जाता है, तो टेन 90 लिख लेते हैं, चलो टेन 90, और क्यू जो है टू टाइम्स ऑफ क्यू है, क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन 90 जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, टेन 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और 2q sin theta by p plus q 2q cos theta। ठीक है, अब देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे अपन, तो tan 90 जो है यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, अब इन दोनों को पलटाने वाला हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, 1/0
इज इक्वल्स टू टू क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मतलब ये वाली टर्म ऊपर, ये वाली टर्म नीचे, ये वाली टर्म ऊपर, ये वाली टर्म नीचे, तो 0/1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा बाय टू क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 2q साइन थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा, तो क्या सिर्फ यही टर्म 0 रह जाएगा? हाँ रह जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं रिजल्टेंट का वो लगाता हूँ, क्या बोलते हैं अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, टू पी क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ से मैं क्यू स्क्वायर को अलग रखता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर को अलग रखता हूँ, और यहाँ पी निकाल लेता हूँ इसमें से, इस वाले टर्म में से, और इस वाले टर्म में से पी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा वन, नहीं यहाँ बचेगा पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा। अब जादू देखना, ये वाला जो टर्म है क्या यहाँ पे मैं जीरो किया हूँ? हाँ यार, यहाँ तो मैं जीरो प्रूफ कर दिया हूँ वाले टर्म को, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है उड़ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है सिर्फ बचेगा क्यू स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या, क्यू। तो रिजल्टेंट क्या आया, क्यू, ये ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या है, क्यू। ठीक है, तो चलो भाई, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा। ये क्या बोलता था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 3:1। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होता है रिजल्टेंट का, जब रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है तब मैक्सिमम होता है। रिजल्टेंट जब ए माइनस बी होता है तो मिनिमम होता है, अभी अभी हम देखे थे पहले, थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया, 3:1। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 ए माइनस 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ए को इधर ला देता हूँ, या फिर ए को इधर ले जाता हूँ, और ये 3 बी को इधर ले जाता हूँ। तो 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4b, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2b। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2b। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही बस थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया था। तो इसी के साथ यार ये लेक्चर अपन कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में। और यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। चलो ठीक है, बाय बाय।